हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? इंटरमिटेंट फास्टिंग की टर्म बेशक न्यू है, लेकिन हमारी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट कई हजार सालों से मौजूद है। इस प्रोसेस में पूरे दिन के दौरान आप कुछ ही घंटों के लिए अपने आप को खाना खाने के लिए अलाउ करते हैं और बाकी के तमाम वक्त रखते हैं रोजा। एक ऐसा रोजा जिसके दौरान आप जीरो कैलोरी आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल पानी, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी के अलावा कोई भी चीज कंज्यूम नहीं कर सकते, और इस तरह आपके स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम को 12 से 16 घंटे का एक ब्रेक मिलता है, और इस ब्रेक की वजह से आपकी बॉडी और आपका हाजमे का निजाम इफेक्टिव तरीके से काम करने लगता है। आपको इंटरनेट पर इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगी, और ये नुस्खा मेरा अपना आजमाया हुआ है और अब तक ये बहुत ही ज्यादा मुफीद और फ्रूटफुल साबित हुआ है। आप में से अगर कोई शख्स अपने बिजी स्केड्यूल में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, दुनिया की भाग दौड़ उसको इस बात की इजाजत ही नहीं दे रही कि वो थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने लिए एक्सरसाइज करे, अपनी बॉडी का ख्याल रखे या कोई जिम ज्वाइन करे, तो ऐसी सूरत में इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टार्ट करके इनिशियल लेवल पे ही सही, लेकिन आप अपने वेट लॉस जर्नी को अभी इसी वक्त आगाज कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक कंप्लीट पैकेज है मेरे दोस्तों, जिसमें आपको सेहत से रिलेटेड काफी सारे बेनिफिट्स एक साथ मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका इंसुलिन का लेवल कम होने लगता है, फोकस इंप्रूव होता है, आपका दिल सेहतमंद रहने लगता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी इंप्रूव होता है, आपको वेट लॉस में हेल्प भी मिलती है और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो मेरी बात माने, आज ही आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और एक अच्छी और बेहतर हेल्थ को पाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाएं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।